जय गौ माता, जय गुरुदेव भगवान। मेरी प्यारे गौ भक्तों, गाय माता के मुंह में गलफड़ों पर, गालों पर कांटे होना, जिसे अबाल रोग कहते हैं, और जीभ पर कांटे होते हैं उसे अंचरा रोग कहते हैं। गाय माता के मुंह में कांटे हो जाते हैं, इसका आज रामबाण देसी इलाज अपन जानते हैं। एक तो होता जीवान पे नुकीले नुकीले, और दूसरा होता गाल पे, जिसे गाल पे जो होता है कांटे उसको अबाल रोग के नाम से जाना जाता है, और जीभ पे जो कांटे होते हैं उसे अंचरा रोग के नाम से जानते हैं। तो आइए मेरी प्यारे गौ भक्तों, आज इसका इलाज अपन सभी जानते हैं। आप इस वीडियो को पूरी ध्यानपूर्वक सुने, देखें, और आगे दूसरे गौ भक्तों तक इसे शेयर जरूर करें। ये महत्वपूर्ण है, ये सारी बीमारियों का इलाज आप लोगों तक बताया जा रहा, और इस चैनल को आपको लगे तो सब्सक्राइब कर देना। आइए मेरे प्यारे गौ भक्तों, ध्यानपूर्वक आप सुनिए इसका इलाज। अबाल रोग वे अंसरा रोग का कारण वे लक्षण पर थोड़ी पहले बात करेंगे। गाल गल्फर पे कांटे जैसा नोकेदार छोटे छोटे दाने निकलते हैं, जिसमें चिपचिप होती रहती है, उसे अबाल रोग कहते हैं। और जीभ के ऊपर नोकेदार छोटे छोटे दाने निकलते हैं, जिसे आम भाषा में हम लोग कांटे कहते हैं। इस रोग को अंचरा रोग के नाम से भी जानते हैं। अबाल रोग वे अंचरा रोग में गाय माता, बेल भगवान चारा दाना खाने की बहुत इच्छा करते हैं, मगर कांटे चुभने के कारण खाना खा नहीं पाते हैं। जीभ वे गाल के कांटों से बहुत बड़ी समस्या होती है। आइए मेरे प्यारे गौ भक्तों, गाल के कांटे ते जीभ के कांटों का सफल रामबाण उपचार हम करते हैं। आप सभी ध्यानपूर्वक सुनिए। दोनों दवा की एक ही औषधि है। दवा मुंह में लगाने से पहले जो आपको दवाई बता रहा हूँ, उस दवाई को लगाने से पहले जो बांस की जो खपची होती है उससे जो कांटे हैं उसको अच्छा बढ़िया थोड़ा भोटा कर ले, अर्थात छील ले, उस पर रगड़ ले, ताकि वो जो कांटे होते हैं, जो नुकीले नुकीले निकले होते हैं जीभ पे हो या गाल पे हो, खपची से उसे थोड़ा खुजला लें, उसको भोटा कर लें, उस पर रगड़ दें, क्योंकि उसके बाद ही आपको ये दवाई लगानी। जब आप उसे गाल के अंदर या उस कांटों को जब आप रगड़ो तो थोड़ी सावधानी पूर्वक ही, वो उसकी फांस अंदर ना चुभ जाए, गाय माता को ज़्यादा समस्या ना हो जाए। आइए, उसको रगड़ने के बाद में आपको क्या करना है, दवाई क्या लगानी है। हल्दी व नमक का पीसा हुआ चूर्ण बना ले, और सरसों के तेल तीनों को बराबर मात्रा में मिला लेना है। हल्दी नमक को पीसकर चूर्ण बनावे, और सरसों का तेल इन तीनों को बराबर मात्रा में मिलाना, और गाय माता बेल भगवान के जबड़े पे, जीभ पर जहाँ पर भी वो कांटे हैं वहाँ पर अच्छा बढ़िया इसको रगड़ के इसकी मालिश करना है। ये आपको 3-4 दिन करना पड़ेगा। 3-4 दिन में गाय माता के बहुत ही अच्छा आराम रहेगा, जो मुंह में कांटे हैं शीघ्रता से इससे खत्म हो जाएंगे। दूसरा उपाय और है कि काला जीरी, काली मिर्च और आंबा हल्दी तीनों को सम मात्रा में लेकर बारीक पीसकर जीभ पर या गाल पर बार बार रगड़ें, इससे भी काफ़ी अच्छा आराम रहता है। या इसके अलावा और तीसरी दवाई है धाय के फूल लेने आपको 2 तोला, रात्रि के समय पानी में भिगो दो, और सुबह सेंधा नमक, कलमी सोरा और समुद्री फेन, इन सभी को 1-1 तोला, और रसवत 6 मासा, अर्थात 1 मासा में 0.97
ग्राम होता है, मतलब 100 ग्राम से कम होता 0.97 ग्राम होता है, ठीक है। तो 0.97 इंटू 6 कर लो तो 6 मासा हो जाएगा। तो इतनी सारी आपको रसवत लेनी है, सबको अच्छी बढ़िया बारीक पीस के मिश्रित कर लो और जीभ गाल पर अच्छी तरह से रगड़ के इसकी मालिश करो। ये बहुत ही अच्छा लाभकारी गाय माता के लिए सिद्ध होगा। अगर मेरे प्यारे गो भक्तों, इन तीनों में से आप लोगों को एक दवा को लगाना है, ठीक है। और प्रातः सुबह के समय आप कुछ खिलाते हैं, उनसे पहले गाय माता को जब बाटा दलिया चारा जो भी खिलाते हैं उससे पहले आप लोगों को अदरक पान और काली मिर्च थोड़ी सी गाय माता को खिला देना चाहिए। इससे मुख के अंदर जो उत्पन्न होने वाले जीभ व गालों के जो कांटे हैं उसमें काफ़ी आराम होता है और गौ माता बेल भगवान को 2-4 दिन में ही बहुत अच्छा इसका परिणाम मिलेगा। तो मेरे प्यारे गौ भक्तों, आप इसको उपयोग में 250 ग्राम गौमूत्र अगर आप सुबह शाम 3 दिन तक पिलाओगे तो इससे भी इन कांटों में काफ़ी अच्छा फायदा रहेगा। मैंने 3-4 नुस्खे बताए हैं मुँह के अंदर कांटे को ख़त्म करने का। नमक हल्दी उसको रगड़कर आप इससे भी कांटे ख़त्म कर सके। दाए के फूल को पानी में भिगोकर फिर बाद में सेंधा नमक, कलमी सोरा और समुद्री फेन इन सभी को मिलाकर महीन पीसकर और इसको भी उन कांटों के ऊपर उसको बांस से छीलने के बाद आप उस पर लगाइए। तो मेरे प्यारे गौ भक्तों, ये वीडियो गाय माता के मुंह में कांटे को ठीक करने की बहुत अच्छी वीडियो है। आप इसे आगे से आगे शेयर कीजिए। जय गौ माता, जय गुरुदेव भगवान।